हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड की इतनी मज़ेदार रेसिपी कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो बार बार बनाएंगे, और मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो एक बार में आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। ये ब्रेड पकौड़ा बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मैं इस वीडियो में कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी ज़रूरी नहीं है एक ही बार में कोई भी रेसिपी परफेक्ट बन जाती है, लेकिन वो उसे एडिट करके कट कर देते हैं और आपको सिर्फ डायरेक्ट परफेक्ट रेसिपी बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पहली बार में ये रेसिपी बिगड़ गई थी, मेरा ब्रेड पकौड़ा बिखरने लगा था, टूटने लगा था। फिर मैंने इस रेसिपी को परफेक्ट किया, मैंने क्या मिस्टेक की थी वो भी आपके साथ शेयर किया है, और आप अगर ये बनाएं तो ये मिस्टेक ना करें ये भी आपको बताया है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पकौड़ा मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से नहीं बिखर रहा है, कहीं से टूट नहीं रहा है। तो ऐसे ही परफेक्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर करी हूँ, और क्या मिस्टेक नहीं करना है वो भी बताऊंगी। इसे बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, ये है कुछ मसाले जो मैं आपको आगे बताऊंगी, और ये है 3 उबले हुए आलू जिन्हें मैंने पहले से ही मैश करके रख लिया है, और यहाँ पर एक पैकेट आप ब्रेड का ले लें। इसके अलावा हमने टेस्ट को और बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ली है, लेकिन वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप उसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं आलू की। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा फ्राई हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे, दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च थोड़ी फ्राई हो जाएगी, इसके बाद हमने जो आलू मैश करके रखे हैं वो आलू इसमें डाल देंगे हम। आलूओं को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो मसाले रेडी किए हैं, हमारा मैजिक मसाला। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने मसालों में क्या क्या चीज़ें ली थी। सबसे पहले मैंने डाली है 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है 1/2 पाउच के लगभग मैगी मसाला, और 1/2 चम्मच डाला है नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इन मसालों को डाल के हम आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है हरा धनिया, वो डाल देंगे, और थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल देंगे, और ये हमारी जो आलू की स्टफिंग थी वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो इसे रखते हैं अब हम साइड में और करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 ब्रेड लेंगे हम सबसे पहले, दोनों ब्रेड के ऊपर हम एक में लगाएंगे टोमेटो सॉस और दूसरी ब्रेड में हम लगाएंगे मेयोनीज। अगर आपके पास मेयोनीज ना हो तो आप इसे स्किप कर दें और सिर्फ टोमेटो सॉस लगाएंगे, उससे भी काम हो जाएगा। दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हमने जो आलू का मसाला रेडी किया था वो आलू का मसाला भी इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। अब हम लेंगे एक चीज़ की स्लाइस, अगर आपके पास ना हो चीज़ तो कोई बात नहीं, बिना चीज़ के भी बना सकते हैं, मेरे पास रखी हुई थी इसलिए मैं इसमें लगा देती हूँ। तो एक चीज़ की स्लाइस रख देंगे, दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे, और ये हमारा एक सैंडविच की तरह बनके रेडी हो चुका है। हम इसे बीच में से ट्राइंगल शेप में कट कर लेंगे और सारे सैंडविच हम इस तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। अब हमने सैंडविच तो बना लिए हैं, लेकिन जब इन्हें फ्राई करेंगे तो उसके लिए हमें एक घोल चाहिए जिसमें हम इसे डिप करके फ्राई करेंगे। तो यहीं पर मैंने बस मिस्टेक करी थी, इसी घोल को बनाने में बहुत ध्यान रखें आप, जो मिस्टेक मैंने की थी वो आप ना करें। इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, और ये है सौंफ जीरे का पाउडर जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ पकौड़े के लिए। तो 1 चम्मच सौंफ जीरे का पाउडर डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसे पानी डाल के एक घोल बना लेंगे। यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने इसका जो घोल बनाया था वो बहुत ज़्यादा पतला बना दिया था। तो यहाँ पर अब आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो हम पकौड़े बनाते हैं उसका बैटर जितना गाढ़ा रहता है, बस इतनी कंसिस्टेंसी हमको इसकी रखना होती है। मुझे लगा कि शायद इतने में बहुत जल्दी बैटर फिनिश हो जाएगा और ब्रेड सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, और बस मैंने दिल खोल के पानी डाल दिया, और आप देख सकते हैं कि इसको कैसा मैंने घोल बना दिया, बिल्कुल पतला। और जब इतने पतले घोल में मैंने फिर ब्रेड को डीप किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी गाढ़ी लेयर नहीं लगी हुई थी। और फिर मैंने जब इसे फ्राई किया तो फिर आपने वीडियो में देखा ही है कि ये किस तरीके से बिखरने लगा और अंदर की स्टफिंग बाहर आने लगी। तो यहाँ पर बिखरने का कारण यही था कि आपको जो घोल है बेसन का घोल उसको थोड़ा गाढ़ा रखना है ताकि आपके ब्रेड पकोड़े बिल्कुल परफेक्ट बने और बिखरे नहीं। तो मैंने फिर थोड़ा बेसन और ऐड किया और इस घोल को थोड़ा गाढ़ा किया, और उसके बाद फिर ये गाढ़ा घोल जब मैंने इसके ऊपर लगाया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके ऊपर अच्छी बढ़िया सी मोटी सी लेयर कोट हो गई है। और अब मैंने इसको जब फ्राई किया तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरा और बहुत ही बढ़िया फ्राई हुआ। तो इस तरीके से हमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल